हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, मैं कल्पना मैम बोल रही हूँ. आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. कोविड-19 महामारी के कारण बेटा हमारे सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं. हमारे सिलेबस में से लगभग 30% पार्ट जो है हटा दिया गया है. उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमें किस चैप्टर में से क्या चीज़ नहीं पढ़नी है और किस चैप्टर में से हमारा कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा. बेटा, ये देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण हमारे इस शैक्षिक सत्र में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में जो है हमारे विशेषज्ञों ने निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम को जो है कम किया है. ठीक है, तो हम हर लेसन में से देख लेते हैं. जैसे हमारा चैप्टर है द्रव एवं व्यवहार, तो इसमें से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है ये चीज़ हम देख लेते हैं. लगभग 30% पार्ट हमको नहीं पढ़ना है. तो इसमें है जैसे मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या से संबंध, ये चीज़ हमको इस लेसन में से नहीं पढ़नी है. ठीक है, ऐसे ही हमारा चैप्टर है जैसे परमाणु की संरचना. तो परमाणु की संरचना में से हमको क्या नहीं पढ़ना है, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभावी, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है. ठीक है, ऐसे ही हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य एवं रोग. इसमें से हमको क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, स्वास्थ्य तथा इनका खराब होना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां, कारण एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग, ये चीज़ हमको इस लेसन में से नहीं पढ़नी है. ऐसे ही हमारा लेसन है गति, बल और कार्य. इसमें से हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ग्राफिक विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, एक समान वृत्तीय गति की प्रारंभिक धारणा, ये टॉपिक हमको इस लेसन में से नहीं पढ़ने हैं. ऐसे ही बल एवं न्यूटन का नियम, इस लेसन में से हमें संवेग संरक्षण की प्रारंभिक धारणा, ये हमको नहीं पढ़ना है. ठीक है, ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण में से हमें क्या नहीं पढ़ना है, द्रव्यमान और भार और मुक्त पतन, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं. ऐसे ही चैप्टर है हमारा प्लवन. प्लवन में से हमको क्या नहीं पढ़ना है, प्लवन में से हमको आपेक्षिक घनत्व की प्रारंभिक धारणा, ठीक है, ये हमको नहीं पढ़ना है. इसी तरीके से कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, इसमें से हमको क्या नहीं पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये हमको नहीं पढ़ना है. ऐसे ही हमारा चैप्टर है ध्वनि. ध्वनि में से हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है, प्रतिध्वनि, सोनार, मानव कर्ण की संरचना, ओके, ये टॉपिक हमको इसमें से नहीं पढ़ने हैं. बाकी लेसन पूरा पढ़ना है हमको, सिर्फ ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, ऐसे ही है हमारा चैप्टर हमारा पर्यावरण. इसके अंदर आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन. तो प्राकृतिक संसाधन में क्या नहीं पढ़ना है, वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, और जैव रासायनिक चक्र में कार्बन का चक्र हमको नहीं पढ़ना है. ठीक है, ऐसे ही हमारा लेसन है खाद्य उत्पादन. इसमें पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन एवं प्रवर्धन, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है. अब हम बच्चों देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से हमारा कितने मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में. जैसे हमारा है द्रव प्रकृति व्यवहार, इसमें से बच्चों 20 नंबर का आपको पूछा जाएगा. ऐसे ही सजीव जगत में संगठन, इसमें से आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से गति, बल तथा कार्य, इसमें से हमसे 25 मार्क्स का पूछा जाएगा. ऐसे ही हमारा पर्यावरण, इसमें से हमारा पूछा जाएगा 6 मार्क्स का. ठीक है, इसके बाद है खाद्य उत्पादन, इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. तो इस तरीके से हमारा ये हो गया 70. ठीक है, 70 मार्क्स के हमारे ये हो गए, और 30 मार्क्स का हमारा होगा प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य. इस तरीके से हमारा 100 मार्क्स की परीक्षा पूरी हो जाएगी. तो बच्चों, जो मैंने टॉपिक आपको बताए हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा कि जिन जिन लेसन सब लेसन में से क्या क्या पाठ हमको नहीं पढ़ना है. ठीक है.